हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे 20 ग्राम बॉन्ड और 20 ml बॉन्ड में क्या फर्क होता है। इसके लिए आपको चाहिए खाली ग्लास, पानी, अल्कोहल, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, पोलिफिक्स और लोकल बॉन्ड। सबसे पहले आपको 20 ग्राम और 20 ml में फर्क पता होना चाहिए। ग्राम हमेशा हम तोलते हैं, ml हमेशा हम नापते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्राम और ml दोनों एक ही बात है, लेकिन ये एक बात नहीं है। इस चीज को हम इस वीडियो में साबित करेंगे कि ग्राम और ml में फर्क होता है। सबसे पहले हम 20 ग्राम बॉन्ड का वजन करके चेक करेंगे। इसके लिए हम खाली बोतल वेइंग बैलेंस में रखेंगे, टेयर करेंगे और चेक करेंगे। 20 ग्राम लोकल बॉन्ड का वजन आया 15.39। 20 ml बॉन्ड को हम तोल नहीं सकते क्योंकि ये ml में है, इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं। आइए हम इसको नापते हैं। ये हमने 20 ml बॉन्ड मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया है, जिसका वॉल्यूम लगभग आया है 13.5 ml ओनली। आप देख सकते हैं। आइए अब हम पॉलीफिक्स का वजन नापते हैं। इसके ऊपर 20 ग्राम लिखा है, तो हम इसको वेट करेंगे। इसके लिए हम पहले खाली बोतल रखेंगे, टेयर करेंगे और फिर हम भरी हुई बोतल रखेंगे। इसका वजन है 20.19, जो कि पूरा है, थोड़ा प्लस में ही है। ये मटेरियल 20 ग्राम पूरा है। अब हम इसको वॉल्यूम में चेक करेंगे कि ये वॉल्यूम में कितना आता है, मतलब कि ml में कितना आता है, 20 ml आता है या उससे कम आता है या उससे ज़्यादा आता है। केमिकल के अंदर हमेशा वॉल्यूम जो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर करता है। अगर केमिकल भारी होगा तो वो वॉल्यूम में कम होगा हमेशा। आइए अब देखते हैं कितना आता है। इसका वॉल्यूम लगभग 19 ml आया है, मतलब वजन में 20 ग्राम है, ml में 19 है। इसका मतलब ये केमिकल थोड़ा पानी से भारी है। एक बात आपको बता दें, 20 ग्राम पानी, 20 ml पानी दोनों बराबर होते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। इस ग्लास में मैंने 20 ग्राम पानी लिया है। अब हम इसको ml में नापेंगे। इसके अंदर मैंने RO का पानी यूज़ करा है, क्योंकि जो बोरिंग वाटर होता है उसमें, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो उसका वजन ज़्यादा होता है। इसके अंदर पूरा 20 ml पानी निकला है। इस ग्लास के अंदर 20 ग्राम अल्कोहल है। अब हम इसका वॉल्यूम नापते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर उड़ गया तो 19.7 ही रह गया, लेकिन जब हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो आप देखेंगे 25 ml आ रहा है। आप देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि 20 ग्राम पानी और 20 ml पानी बराबर आया। बॉन्ड हमारा जो कि प्योर क्वालिटी का था, एकदम फाइन, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी, वो 19.5 आया। जो लोकल बॉन्ड होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जिसके अंदर मिक्सिंग रहती है, उसका वॉल्यूम कम होता है। तो आपको जब भी कोई चेकिंग करनी हो तो आप उसको तोले भी और नापे भी, तभी आपको मार्केट में
जो लोकल बॉन्ड आ रहे हैं उनका पता लग पाएगा कि जितना लिखा है उतना है कि नहीं। मिक्सिंग का भी हमें इससे पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम उनका वॉल्यूम नापेंगे, अगर वॉल्यूम कम आता है तो इसका मतलब उसके अंदर मिक्सिंग ज़्यादा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर खुद भी करें, ताकि आप होने वाली मार्केट में धोखाधड़ी से बच सकें। तो सरकार भी कहती है जागो ग्राहक जागो, तो ये अब जागने का समय है, आप जाग जाइए और सारी चीज़ें तोले भी और नापे भी। थैंक यू।